तो गाइस लास्ट के कुछ वीडियो में हम लोग देख रहे थे ऑर्डिनो फंक्शंस के बारे में कि ऑर्डिनो फंक्शंस क्या होते हैं, ये ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग में क्या काम करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था सिंपल फंक्शंस को पासिंग आर्ग्यूमेंट, रिटर्निंग वैल्यू, रेफरेंस आर्ग्यूमेंट। पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डिनो प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमारे प्रोग्राम में क्या करते हैं, ये इसको हम लोग अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था डिजिटल आईओ, एनालॉग आईओ, टाइम एंड कम्युनिकेशन, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में देखा था कि ये कैसे काम करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाइब्रेरी फंक्शंस को कि ये हमारे प्रोग्राम में क्या काम करते हैं, कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ कर सकते हैं, ये क्या होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग लास्ट की कुछ वीडियो में हम लोगों ने देखा फंक्शंस को, जैसे कि सिंपल फंक्शंस हम लोग बनाते हैं तो फंक्शंस दो टाइप्स के होते हैं। एक मान लीजिए हम लोग ऑर्डिनो में जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं, एग्जांपल के तौर पे पिन मोड, डिजिटल रीड, एनालॉग रीड, डिजिटल राइट, एनालॉग राइट, ये सारे जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को सिर्फ इसके प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखकर इसको यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एनालॉग रीड आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, एनालॉग रीड बटन इक्वल टू 200। तो ये हो गया कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन। अब मान लीजिए हम लोगों को खुद से कोई फंक्शन बनाना है ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग में, हम लोग को अपने कोड में कोई फंक्शन बनाना है जो पार्टिकुलर काम करेगा हमारे कोड में। मान लीजिए लास्ट की वीडियो में हम लोग ने बनाया था, मैंने बनाया था सेट ट्रांसमिट नाम का फंक्शन, जो क्या करता था कि आयर ट्रांसमीटर LED पे हमारे जो वैल्यू है, मैंने इंटीजर जो वैल्यू बटन प्रेस करने का टाइम जो दिया है प्रोग्राम में, वो उसको ट्रांसमिट करता था आयर LED के थ्रू। तो ये हो गया दो टाइप्स के फंक्शन, यानी प्री डिफाइंड फंक्शन और जो दूसरा जो फंक्शन जो हम लोग खुद बनाते हैं। अब एक और टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी फंक्शंस। आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आप लोगों को। तो गाइस एग्जांपल के तौर पे हम लोग मानते हैं कि सबसे पहले हम लोग को अगर अपने प्रोग्राम में किसी फंक्शंस को, मान लीजिए हम लोगों को कुछ काम करवाना है प्रोग्राम में ऑर्डिनो से, तो हम लोग अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस बनाते हैं अपने कोड के अंदर। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हम लोगों को कुछ फंक्शंस बनाना है तो हम लोग खुद से भी फंक्शंस बना सकते हैं। अब दूसरी बात लेते हैं हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या है, हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है ऑर्डिनो की जो कंपनी है उसमें जो हम लोगों के लिए ऑर्डिनो के हिसाब से हम लोगों को C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑर्डिनो के हिसाब से हम लोगों को एडिट करके मिला है, या यूं हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डिनो के हिसाब से हम लोगों को ऑप्टिमाइज़ करके मिला है कि हम लोग ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग में हम लोगों को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें कि सीधे हम लोग C++ प्रोग्रामिंग को अपने ऑर्डिनो में यूज़ कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, बहुत जगह पे हम लोगों को एरर देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऑर्डिनो की जो कंपनी है उसके तरफ से हम लोगों को इसके लिए ऑप्टिमाइज़ करके मिला है। तो दूसरे एग्जांपल मान लेते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। तो इसमें हम लोगों को बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन मिले हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया पिन मोड, डिजिटल रीड, एनालॉग रीड और भी बहुत सारे हैं, डिले फंक्शंस हो गया, डिले माइक्रोसेकंड, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो इसको हम लोग यूज़ करके अपने प्रोग्राम को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, हम लोग हेल्प ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हम लोग समझते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस को, ये कैसे काम करते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों को एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, एग्जांपल के तौर पे स्क्वायर रूट निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, एग्जांपल मान लेते हैं सिर्फ। तो इसके लिए हम लोग लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए एक लाइब्रेरी का मैं नाम ले रहा हूँ, सी मैथ नाम का एक लाइब्रेरी है, अभी इसको मैं और आगे क्लियर करूँगा सी मैथ क्या है। तो मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो मैं सी मैथ लाइब्रेरी का यूज़ करके अपने प्रोग्राम में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज ये तो थे इंट्रोडक्शन। अब चलिए हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस के बेनिफिट्स को समझते हैं कि इससे हम लोगों को और क्या क्या कन्वीनियंस प्रोवाइड की गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ से हम लोग अपने
प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लाइब्रेरीज को डाउनलोड करके अपने आईडीई में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए वो उस वेबसाइट का नाम है गिटहब हो गया, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप लोग यहाँ से अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे लाइब्रेरी तो आपके आर्डिनो आईडीई में पहले से मौजूद होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है, सीधी सीधी बात मैं करूँ तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग अपने प्रोग्राम को ज़्यादा बड़ा नहीं देखना चाहते हैं, बहुत कम लाइन में हम लोगों को अपने कोड को लिख लेना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होता है, मान लीजिए हम लोगों को जितना भी फंक्शंस हैं लाइंस ऑफ कोड उस लाइब्रेरी में हम लोगों को मिल जाते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर हम लोगों को सिर्फ उस फंक्शंस को कॉल करना है, उसमें आर्ग्यूमेंट पास करना है और हम लोग उस फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम बना के। तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं प्रोग्राम बनाने की तरफ। हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाकर समझते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिस्प्ले पर देख सकते हैं, मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है जिसमें कि आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि लाइब्रेरी फंक्शंस कैसे काम करता है हमारे प्रोग्राम में। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में किसी पार्टिकुलर काम को करवाने के लिए लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा है हैश इंक्लूड सी मैथ। अब ये क्या हुआ, आप लोग कमेंट में देख सकते हैं हेडर फाइल इसमें शो हो रहा है इसके बगल में। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मुझे कोई काम करवाना है, मुझे इस प्रोग्राम में 25 का स्क्वायर रूट चाहिए। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग अगर प्रोग्राम बनाते हैं खुद से तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड में प्रोग्राम लिखाएगा। लेकिन अगर हमारे पास लाइब्रेरी पहले से मौजूद है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, तो हम लोगों को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए कि हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइब्रेरी का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ऊपर में उसको डिफाइन करना होता है, इंक्लूड करना होता है लाइब्रेरी को। तो जो जिस लाइब्रेरी का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, जैसे मैंने यहाँ पे सी मैथ नाम का एक लाइब्रेरी यूज़ किया। तो इसको लिखने का जो प्रोटोकॉल है, जो लिखने का एक तरीका है, सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम में टॉप पे जाते हैं हेडर पे और लिखते हैं हैश इंक्लूड, उसके बाद स्पेस देने के बाद, स्पेस देना या नहीं देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो एंगल ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है सी मैथ। अब इसको लिखने का हम लोग के पास दो तरीका हो सकता है, ये हो गया थोड़ा ट्रेडिशनल हो गया एंगल ब्रैकेट के अंदर। अब हम लोग सी मैथ को कुछ अलग टाइप से भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम लोग डबल कोट्स के अंदर भी हम लोग सी मैथ हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी मैं इस प्रोग्राम में यूज़ कर रहा हूँ सिंपल वाला जो ट्रेडिशनल है एंगल ब्रैकेट के अंदर सी मैथ। तो चलिए ये हो गया दो टाइप्स, मैंने दो तरीका बताया लाइब्रेरी का जो हेडर है उसको इंक्लूड करने का दो तरीका। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग आते हैं, मैंने जैसा आप अभी इस प्रोग्राम में बताया कि 25 का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, अब इसमें मैंने 25 लिया। आप लोगों को और भी कोई नंबर हो सकते हैं तो उसमें आप लोग उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिंपल सा नंबर लिया है 25। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, इंट आंसर नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, तो इससे पता चल रहा है कि आंसर मैंने नाम दिया है वेरिएबल का, लेकिन इसका डेटा टाइप्स है इंट, मतलब कि इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होने वाला है, यानी कि कुछ नंबर स्टोर होगा, इसलिए मैंने यहाँ यूज़ किया है इंट। अब चलिए इस नेक्स्ट लाइन में हम लोग समझते हैं वॉइड सेटअप। आप लोग यहाँ पे गौर कर रहे होंगे मैंने वॉइड लूप का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं प्रोग्राम को एक बार रन कराना चाहता हूँ, बार बार रिपीट नहीं कराना चाहता हूँ, इसलिए वॉइड सेटअप के अंदर ही मैं प्रोग्राम को स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ। तो इसके अंदर हम लोग आते हैं तो सीरियल डॉट बिगिन 9600, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने सीरियल पोर्ट को इनिशियलाइज़ किया है, मुझे सीरियल मॉनिटर पे अपने रिजल्ट को शो करवाना है। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, आंसर वेरिएबल का हम लोगों ने यूज़ किया है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं आंसर इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। अब
ऊपर में हम लोगों ने देखा हेडर फाइल, ये हो गया लाइब्रेरी का हेडर फाइल। अब इसके अंदर जो बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, अभी मुझे चाहिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर जो फंक्शंस मौजूद हैं कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, SQRT स्क्वायर रूट निकालने के लिए, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग अपने इंटीजर वैल्यू को देते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं लाइब्रेरी फाइल का यूज़ किया मैंने स्क्वायर रूट 25। अब इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट पास कराया है 25। अब ये क्या करेगा, सी मैथ के अंदर स्क्वायर रूट नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर लाइंस ऑफ कोड है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम लोग इसमें आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं। मान लीजिए मैंने 25 किया तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5। अब इसको हम लोग को रिज़ल्ट तो कैलकुलेट हो गया, अब इसको हम लोगों को शो करवाना है, तो शो करने के लिए सबसे अच्छा हम लोगों को आर्डिनो में दिया गया है सीरियल मॉनिटर। तो सीरियल मॉनिटर का यूज़ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीरियल डॉट प्रिंट स्क्वायर रूट। सबसे पहले ऊपर में लिखेगा स्क्वायर रूट इज, नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को जो वैल्यू है नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीरियल डॉट प्रिंट लाइन, उस पैरेंथेसिस के अंदर आंसर नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया था जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, यानी कि हमारा आंसर स्टोर होगा कैलकुलेट। ओके, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं आंसर वेरिएबल जो है वैल्यू 5 को होल्ड करके रखेगा, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है 5, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो इस हमारे सीरियल मॉनिटर पे 25 शो हो जाएगा। तो गाइस ये था आज की वीडियो में मैंने बताया लाइब्रेरी फंक्शंस, ये था कुछ एग्जांपल लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करने का। आप लोग इसमें और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट के बदला आप लोग कुछ और इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे सी मैथ का यूज़ किया है, सी मैथ हेडर फाइल का यूज़ किया है, लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ किया है मैंने। तो गाइस ये थे लाइब्रेरी फंक्शन से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स जो आज की वीडियो में मैंने कवर किया है, आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रह गया हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई वहाँ करूँगा, या आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।